मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अडानी को आड़े हाथों लेते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में ये बैला डीला खदान लेना चाहते थे, रमन से दिए थे, हमारे कारण से रुका हुआ है। अभी कोयला खदान जो SCL का उसको दे दिया अडानी को, और जो एलिफेंट कॉरिडोर है उसमें 39 खदान है, उसमें निगाह थी 1950 वर्ग मीटर, तो हमने आरक्षित कर दिया है। अडानी और वो खदान के बीच में कांग्रेस पार्टी खड़ी है, कांग्रेस की सरकार है और ED ID का छापा पड़ता ही इसलिए है। यदि छत्तीसगढ़ को बचाना है, यहाँ के लोगों को बचाना है, तो आपको कांग्रेस के पक्ष में मतदान करना पड़ेगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में ये बलाडीला खदान लेना चाहते थे, रमन सिंह दिया था, हमारे कहाँ से रुका हुआ है। अभी कोयला खदान जो SCL का है उसको दे दिया अडानी को, और जो एलिफेंट कॉरिडोर है उसमें तो 39 खदान है, उसमें निगाह थी, तो 1950 वर्ग किलोमीटर का हमने आरक्षित कर दिया है। तो अडानी और वो खदान के बीच में कांग्रेस पार्टी खड़ी है, कांग्रेस की सरकार है, और ये ED ID छापा पड़ता इसीलिए है। तो यदि छत्तीसगढ़ को बचाना है, यहाँ के लोगों को बचाना है, तो आपको कांग्रेस के पक्ष में मतदान करना पड़ेगा, अन्यथा BJP को वोट देने का मतलब ये है कि वो अडानी पूरा सौंपना है, बटन दबाओगे कमल में तो VVPAT में अडानी निकलेगा। ठीक है।